2017 में गोलमाल सीरीज की चौथी फिल्म गोलमाल रेड के बॉक्स ऑफिस तहलका मचाने के बाद और भी कई फिल्मों के सीक्वल हैं जो 2018 में दस्तक देने को तैयार है। आइए आपको बताते हैं कौन सी फिल्मों के सीक्वल आपको अगले साल देखने को मिलेंगे। 2.2 अक्षय कुमार पहली बार साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत के साथ काम करने जा रहे हैं। जी हां, 2.2 बॉलीवुड की मच अवेटेड सीक्वल में से एक क्योंकि इस फिल्म में अक्षय कुमार विलन का रोल निभा रहे हैं और 2.0 अगले साल अप्रैल के महीने में रिलीज हो रही है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर के सीक्वल को लेकर काफी बस है। इस फिल्म में टाइम शॉप को फाइनल कर लिया गया है और खबर है कि इस फिल्म में उनके अपोजिट चंकी पांडे की डॉटर अनन्या पांडे भी नजर आ सकती है। हालांकि अभी इस बारे में कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है। रेस 3 2018 में सलमान खान की फिल्म रेस 3 आने वाली है। हालांकि ये फिल्म का तीसरा पार्ट है। हालांकि इन दिनों सलमान रेस 3 की शूटिंग कर रहे हैं क्योंकि ये फिल्म 1 2018 को रिलीज होने वाली है और इस फिल्म में जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा। फिल्म में उनके साथ जैकलीन फर्नांडिस, अनिल कपूर, बेबी शाह, बाबू विदेव लीड रोल में है और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं डिसूजा। बागी 2 इस साल टाइगर श्रॉफ एक और सुपर में नजर आएंगे, वो है बागी 2। 2016 में टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी ने न सिर्फ ऑडियंस को इम्प्रेस किया था बल्कि इसकी लोकेशन के लिए भी फिल्म ने खूब वाहवाही बटोरी। एक बार फिर फिल्म के मेकर्स इसके सीक्वल की प्लानिंग कर रहे हैं। बागी 2 में टाइगर के अलावा दिशा पठानी है और इस फिल्म को अहमद खान डायरेक्ट कर रहे हैं। ये फिल्म अगले साल 27 अप्रैल को रिलीज हो रही है। हिट कॉमेडी फिल्म धमाल ने ऑडियंस को खूब एंटरटेन किया था और 2018 में आने वाली है टोटल धमाल, जिसमें अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित और अजय देवगन नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे इंद्र कुमार। तो ये 2018 में होने वाली उसी को बॉक्स ऑफिस पर धमाल करने जा रहे हैं।